हाय फ्रेंड, मैं हूं सनी कपूर, आपका होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ है बॉलीवुड की उभरती हुई हीरोइन माही अरोड़ा। हाय माही। हेलो सर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहां से हैं, क्या कर रही हैं, कैसे आपको एक्टिंग का शौक पैदा हुआ, तो जरा आप खुलकर बताएंगे कि क्या था आपकी बॉलीवुड में आने का रीजन वगैरह? जी, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी बॉलीवुड में आऊंगी। मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, तो आप झारखंड से हैं? हाँ जी, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में कहाँ से? मैं झारखंड से पाकुड़ से हूँ। तो बचपन से आपको एक्टिंग का शौक था? नहीं सर, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक तो नहीं था, बस फैशन डिजाइनर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा, तो शुरुआत मतलब आपकी फैशन शो से? जी सर। तो कैसे, कहाँ, ये दिल्ली में आके आपने किया या वहीं? नहीं, मैंने फर्स्ट फैशन शो झारखंड में किया, सेकंड दिल्ली में किया, और थर्ड में अभी मुंबई में अपना स्ट्रगल वगैरह कर अब मैं सिंगिंग कर रही हूँ, और मुझे अब एक्टिंग में आने का इंटरेस्ट हो रहा है। तो मतलब आप एक्टिंग के लिए आई थी या सिंगिंग के लिए आई? मैं बेसिकली सिंगिंग के लिए आई थी। अच्छा, तो अभी मैं सोचा कि मैं भी एक्टिंग में जा सकती हूँ, तो मैंने भी ट्राई किया। तो मतलब लोगों ने बोल दिया कि आपको रिल्स लगती हो, तो खुद ने कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैं सोची क्यों ना मैं भी करके देखूं। तो अभी आपका रुझान एक्टिंग की तरफ? यस सर, अभी एक्टिंग की तरफ आपका रुझान? हाँ, एक्टिंग में भी और सिंगिंग में भी। तो अभी सिंगिंग में आपने क्या क्या किया अभी तक? सिंगिंग में अभी मैंने एक भोजपुरी मूवी की सिंगिंग में कर रही हूँ। ओके, तो जरा वो गाना जो आपका रिकॉर्ड हुआ गुनगुना के बताएंगे? बिल्कुल सर। का करी काना करी भगवान हो, हर जगह से हो गई नी परेशान हो। का करी काना करी भगवान हो, हर जगह से हो गई नी बदनाम हो। गुड, आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है। थैंक यू सर। तो ये गाना आपको कितने आसानी से मिल गया या इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, इसके लिए तो मुझे आसानी से मिल गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड के जीजू थे, बस उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। फर्स्ट टाइम में मुझे, मैं सिंगिंग के लिए, मैं ऐसे रिकॉर्ड के लिए गई थी, बट उनको मेरी वॉइस अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने मूवी में मुझे गाने का चांस दिया। ओके, वेरी गुड। और ये बाकी एक्टिंग के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, किस तरह के लोग आपको मिलते हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि खासतौर से लड़कियों को मतलब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ उल्टी सीधी शक्कर रखते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ? हाँ सर, मेरे साथ भी हुआ। कॉम्प्रो के लिए बोला गया, अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, लेकिन मैं आगे बढ़ते गई, लेकिन मैंने कभी गलत कदम नहीं उठाया, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा। आज नहीं तो कल अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, तो मैंने सबर किया और आगे बढ़ते गई, तो अभी मुझे एक वेब सीरीज का चांस मिल रहा है। ये जो आप वेब सीरीज कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो अब आप, हम दर्शकों को मतलब आपके चाहने वालों का गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश में नजर आए? यस सर। तो ठीक है माई जी, एक छोटी सी मुलाकात आपसे बहुत अच्छी रही, और अगली बार मिलेंगे तो जब आपकी ये जो वेब सीरीज है गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश आ चुकी होगी, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो थैंक्स, आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों से मिली, थैंक यू।